नमस्कार, मैं प्रियांश अराजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं दिन की 10 खबरों पर। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी सरकार ने बनाए 13 नए और जिले, कहा अब लोगों की परेशानी होगी दूर। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक कर रहे पीएम मोदी, पड़ोसी मुल्कों के मौजूदा हालात पर की जा रही है ब्रीफिंग। तेल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, शेयर किए आंकड़े, कहा यह लूट योजना है। देहरादून में छत्तीसगढ़ के छात्र की इलाज के दौरान मौत। भारत में 715 दिनों में पहली बार कोविड-19 के 1000 से भी कम नए मामले दर्ज किए गए। कोरबा में दो लोगों ने किया सुसाइड, पत्नी से झगड़ा हुआ, फिर फांसी के फंदे पर लटकी मिली लाश। मोदी योगी की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर बवाल, IAS की तैयारी कर रही युवती हुई गिरफ्तार। तमिलनाडु में कोरोना की रफ्तार थमी, सरकार ने करीब 2 साल बाद हटाए सभी प्रतिबंध। तृणमूल कांग्रेस को झटका, आज आप में शामिल होंगे पूर्व सांसद अशोक तंवर, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। ऑस्कर के बाद अब लता मंगेशकर को ट्रिब्यूट देने से चुका ग्रैमी अवार्ड, बेहद निराश हुए फैंस। ऐसी ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।